गमे तेवी विपरीत स्थिति में पण मबलक उत्पादन करी जाने तेनुं नाम खेडूत। 21मी सदी में लोको टेक्नोसेवी बन्या छे त्यारे खेडूतो पण आधुनिक पद्धति अपनावीने सारी कमाणी करी रह्या छे। त्यारे वात करीए एवा जे खेडूतनी जेमणे 100 एकर में जेटलुं उत्पादन थाय तेटलुं उत्पादन मात्र 1 एकर में करीने बताव्युं छे। आ साहसी खेडूत छे साबरकांठाना रूपालकंपा गामना चंद्रकांतभाई पटेल। तेमणे इजरायल टेक्नोलॉजीने आधारे हळदरनी खेती करी छे, जेना माटे ग्रीन हाउसनो उपयोग करवामां आव्यो छे। आ पद्धतिमां कुल 6 लेयर तैयार करवामां आव्या छे अने तमाम लेयरमां हळदरनुं वावेतर करवामां आव्यु छे। आ टेक्नोलॉजीमां ड्रीप इरिगेशन पद्धतिनो उपयोग थयो छे। जो ग्रीन हाउस है साबरकांठा जिले में रूपाल गांव में फार्मर ने जो ग्रीन हाउस है जो हम प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के अंदर यूज करते हैं, ऐसे ग्रीन हाउस के अंदर मल्टी लेयर पे उन्होंने हल्दी जो है हमारे टर्मरिक का कल्टीवेशन किया है। आप जानते हो कि हम नॉर्मल जो फील्ड है हमारे उसमें जो हल्दी का कल्टीवेशन करते तो हम 10 टन या 12 टन प्रति एकड़ से ज्यादा प्रोडक्शन ले नहीं पा रहे यार, उससे कम होता है। पर यहाँ पर जब आप देख रहे हैं कि इसमें मल्टी लेयर में जो हमने कल्टीवेशन किया है इसमें हम 400 टन से भी ज्यादा का प्रोडक्शन पर एकड़ में से ले रहे हैं। आप देखिए उसमें अलग अलग लेयर बना के हल्दी का कल्टीवेशन किया। हल्दी ऐसा पाक है, क्रॉप है जिसके अंदर आपको थोड़ा बहुत छांव भी आएगा तो भी उसको दिक्कत नहीं आती। तो ये कल्टीवेशन करके फार्मर अपनी जो इनकम है वो अनेक गुना बढ़ा रहे हैं।